परसेंटेज प्योरिटी के बारे में अपने को बात करना है, इसको अपन डायरेक्ट सिंपली ऐसे लिख सकते हो परसेंट प्योरिटी। तो देखो अपने पास, अपन क्या बोल रहे थे कि अपने पास मान लो कि एक इम्प्योर सैंपल है, कि अपने पास एक इम्प्योर सैंपल है। तो इम्प्योर सैंपल का मतलब है कि अपन जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं वो तो रहेगा ही, साथ में उसके साथ कुछ ना कुछ अदर इम्प्योरिटीज भी होगी। तो अपन मान लो कि मैंने एक इम्प्योर सैंपल लिया, उसका मास अपने पास मान लो कितना एक्स ग्राम है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो अपने पास मास ऑफ इम्प्योर सैंपल रहेगा तो दो चीजों की वजह से आएगा, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर कितना उसका मास प्लस इम्प्योरिटी का मास, मास ऑफ इम्प्योरिटी। तो अपन तो जिस रिएक्शन में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उसके बात करने वाले, मतलब प्योर सब्सटेंस की अपन बात करने वाले। तो प्योर सब्सटेंस का ही मास कैलकुलेट करने के लिए इम्प्योर में अपने को परसेंट प्योरिटी की बात किया जाता है, कि टोटल कितना परसेंट जो है एक्चुअल में जिस सब्सटेंस की अपन बात कर रहे हैं उसका प्रेजेंट है। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि परसेंट प्योरिटी इक्वल टू मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सैंपल। यस हाँ, तो डब्ल्यू प्योर अपॉन डब्ल्यू इम्प्योर अपन शॉर्ट में बोलेंगे इसको, कि मास की अपन बात करें मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो सिंपली अपन कैलकुलेशन करते टाइम जैसे लिखेंगे वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, तो प्योर का मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी चीज है, इसमें तुम अगर इतना भी नहीं डीप में जाओगे तो सिंपली दिमाग लगा के भी निकाल सकते हो कि परसेंट प्योरिटी गिवन है, तो उसमें तो कुछ दिखा नहीं। अब अपने पास एक एग्जांपल भी अपने लिया था, तो उसको तो मैं नहीं ले रहा हूँ, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अपन पहले लिख चुके थे, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट इतना सही है। तो देखो बाई डीकंपोजिशन ऑफ, बाई डीकंपोजिशन ऑफ वन फिफ्टी ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 150 ग्राम सैंपल ऑफ CaCO3, 224 लीटर CO2 ऑब्टेंड एट एसटीपी, एट एसटीपी, देन कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल, देन कैलकुलेट परसेंट प्योरिटी ऑफ सैंपल। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि अपने पास क्या है CaCO3 का, अपन ने एक सैंपल ले रखा है जिसका वेट अपने पास कितना है 150 ग्राम है। अगर मैं उसको हीट करता हूं तो अपने पास CO2 गैस मिलेगा, तो उस CO2 का अपने पास कितना आ रहा है STP पे 22.4 लीटर आ रहा है। 22.4 लीटर मतलब 1 मोल आ रहा है किसका, CO2 का। तो अब वो ही निकालना है कि अपने पास कितना इस सैंपल का परसेंट प्योरिटी रहा होगा। तो अपने पास देखो क्या है, चलो कोई नहीं, हाँ CaCO3 है तो अपने पास CaO प्लस क्या बन रहा है, CO2 बन रहा है। अब अपने को पता, देखो अपने को जो सैंपल गिवन है उसमें क्या बोला है कि 150 ग्राम अपने पास किसका है, CaCO3 का है। तो ये 150 ग्राम है, लेकिन इससे अच्छा इसमें डायरेक्ट इसने बोला भी नहीं है कि अपने पास, बोला तो ये कि 150 ग्राम सैंपल है किसका, CaCO3 का। अब इसने स्टार्टिंग में तो मेंशन नहीं किया कि अपने पास जो सैंपल है वो इम्प्योर है, लेकिन ये तुमको कॉमन सेंस समझ में आना चाहिए कि परसेंट प्योरिटी की अगर अपन बात कर रहा है तो ये जो सैंपल अपने को गिवन है 150 ग्राम, ये क्या रहा होगा, इम्प्योर सैंपल रहा होगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका देखो सिंपल सा ये कि जो ये इम्प्योर का मास अपने को गिवन है, इस इम्प्योर में तुम एज्यूम कर लो कि अपने पास क्या है एक्स ग्राम किसका है, प्योर CaCO3 का।
प्योर सी ए सीओ थ्री, और एक्स के हिसाब से क्या करो पूरा कैलकुलेशन कर दो। तो अगर मेरे पास मान लो कि एक्स ग्राम प्योर सी ए सीओ थ्री है, तो सी ए सीओ थ्री के मोल क्या हो जाएंगे, एक्स अपॉन हंड्रेड मास अपॉन मोलर मास। और ये रिएक्शन को देखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो सबका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो सी ए सीओ थ्री के 1 मोल से 1 मोल बनेगा किसका, सीओ का, 1 मोल बनेगा किसका, सीओ टू का, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अभी अपने पास कितने मोल है, अपने पास है x अपॉन 100, तो इस सी ए सीओ थ्री के x अपॉन 100 मोल से सीओ के भी कितने बनेंगे, x अपॉन 100 मोल बनेंगे, और सीओ टू के भी कितने बनेंगे, अपने पास x अपॉन 100 मोल बनेंगे। अपने पास CO2 का कितना मोल आ गया, x upon 100, और CO2 का मोल निकालने के लिए अपने को उसका वॉल्यूम गिवन था कितना, 22.4। तो 22.4 अगर अपने को वॉल्यूम गिवन है, तो मोल कितना हो गया, 1 मोल हो गया STP पे, तो x upon 100 मतलब अपने पास क्या हो गया, 1 हो गया, तो x के वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, 100 ग्राम आ जाएगा। ये समझ में आया गया? यस सर। सर CaO CO2 का मतलब x क्यों लिया हम लोगों का मान? देखो यही तो बताया कि 150 ग्राम जो ये इम्प्योर है ना, बताइए इम्प्योर है तो इसमें कुछ पार्ट किसका रहेगा, खुद का CaCO3 का रहेगा, और कुछ पार्ट किसका रहेगा, इम्प्योरिटी का रहेगा। और अपने को बताया कि जो ये रिएक्शन है, रिएक्शन में तो प्योर CaCO3 जाने वाला है, इम्प्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है, तो उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। तो अपन ने बोल लिया कि 150 में से अपन मान ले रहे हैं कि x ग्राम अपने पास किसका है, CaCO3 का है। ऐसे एज्यूम किया अपन ने कि x में से प्योर CaCO3 कितना है, सॉरी 150 में से प्योर CaCO3 कितना है, x ग्राम, और उसके हिसाब से फिर अपन ने कैलकुलेशन किया है। कुछ क्लियर हुआ क्या? यस सर। हाँ, तो इसी तरीके से मान के तुमको सोल्व करोगे तो सबसे आसान तरीका यही पड़ेगा। तो अपने पास प्योर CaCO3 का वेट कितना आ गया, ये अपने पास आ गया 100 ग्राम, क्योंकि अपने x एज्यूम किया था, तो x अपने पास 100 आ गया। इम्प्योर सैंपल का वेट अपने को कितना गिवन है, पहले मैं बोल लेता हूँ फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इम्प्योर सैंपल का वेट अपने को गिवन है 150 ग्राम। अपने से पूछा क्या है, परसेंट प्योरिटी, तो परसेंट प्योरिटी अपन क्या लिख लेते, मास ऑफ प्योर सैंपल दैट इज 100 डिवाइडेड बाय इम्प्योर सैंपल दैट इज 150 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये अपने पास 2/3 बन जाएगा एक तरीके से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 66.67% आ जाएगा। इसी तरीके से हमको अप्रोच करना है क्वेश्चन को। दूसरा तरीका पता है क्या हो सकता था? हाँ सर, सर ये जो प्योर आया है सर, हमको कैसे पता चलेगा CO2 ही प्योर, मतलब उसको प्योर लेना है? अरे नहीं नहीं, CO2 के वेट को नहीं लिया। देखो रिएक्शन में जो अपने पास जाएगा तो प्योर CaCO3 जाएगा ना यार, कि अपने पास इम्प्योर था, तो इसमें अपने पास मतलब क्या रहा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट रहा हुआ और साथ में इम्प्योरिटी रहा हुआ, तो इम्प्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, स्टोन हो सकते हैं, अगर कहीं से तुम CaCO3 निकालोगे उसका माइनिंग करोगे तो वहां तो कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है, और साथ में मिट्टी पत्थर ये सब तो मिलेंगे, तो इम्प्योरिटी तो कुछ भी हो सकती है। तो अपन अभी ये मान के चल रहे क्वेश्चन में कि इम्प्योरिटी से कोई CaCO3 सॉरी इम्प्योरिटी से कोई CO2 रिलीज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ही नहीं किया उसने। तो अपन ये मान के चलेंगे कि जितना भी CO2 रिलीज हो रहा है वो सारा किससे हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट से हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के हिसाब से अपन देख रहे हैं कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने x मान लिया, तो उस x के हिसाब से इतना CO2 बन रहा है, और उस CO2 का जो मोल आ रहा है उसको अपन ने जो अपने को गिवन है उसके बराबर कर दिया। तो 250 ग्राम अपने को गिवन है इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3, परसेंट प्योरिटी तुमसे पूछा गया, तो वापस वही करना है तुमको कि CS जो अपने पास सैंपल गिवन है 250 ग्राम का, 250 ग्राम इम्प्योर सैंपल, उसमें एज्यूम कर लो कि अपने पास CaCO3 कितना x ग्राम है, उसके हिसाब से क्या करो। अब कोई भी क्या किया, CO2 का ही मोल उसने गिवन है 80%, 80% एकदम सही आंसर है, बाकी लोग भी निकालो। आ गया सर 80%, आ गया सबका? यस सर। चलो बढ़िया। चलो तो मैं बता देता हूँ जिसका नहीं है उसके लिए, तो देखो वापस वही करेंगे अपने पास सेम क्वेश्चन है, कि इसमें मेरे को एक और पार्ट कराना था इसलिए मैंने ये दे दिया, वहां पे भी कर सकते थे वैसे, कि अपने पास क्या है 250 ग्राम गिवन है किसका,
इम्प्योर सैंपल है CaCO3 का, तो अपने को ये तो पता है इम्प्योर सैंपल बोला गया है तो कि अपने पास पूरा इस सैंपल में 250 ग्राम पूरा का पूरा CaCO3 का तो नहीं है। तो इस 250 में से अपन मान लेते हैं कि x ग्राम अपने पास किसका है, CaCO3 का है। तो 250 में से अपने पास सिर्फ x ग्राम CaCO3 का है, तो अपन हमेशा ऐसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, तो इसके मोल कितने हो जाएंगे वापस वही x अपॉन 100, ठीक है। और अब अपने को CO2 का कितना मास गिवन है कि CO2 का जो मास आ रहा है अपने पास वो कितना आ रहा है, 88 ग्राम आ रहा है। 88 ग्राम मतलब क्या हो गया, 2 मोल। मतलब जो CO2 बन रहा है अपने पास x ग्राम CaCO3 से कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो पहले मैं x के हिसाब से कैलकुलेट कर लूंगा, ये रिएक्शन एक तरह से देखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब इसका 1 मोल जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इसका कितना बनता है, 1 मोल ही बनता है। वापस सेम चीज हो गया, इसके x अपॉन 100 मोल से CO2 का कितना बनेगा, x अपॉन 100 मोल बनेगा। तो x अपॉन 100 मोल अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 मोल के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक्चुअल में कितने मोल बन रहे। तो x अपने पास यहां पे कितना आ जाएगा, 200 ग्राम। तो प्योर CaCO3 का वेट अपने पास क्या आ गया, प्योर CaCO3 का वेट आ गया अपने पास 200 ग्राम। सेम वही क्वेश्चन हो गया। तो फिर और इम्प्योर का अपने को गिवन है कितना, इम्प्योर का अपने को गिवन है 250 ग्राम। परसेंट प्योरिटी अपने से पूछा है, तो परसेंट प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर दैट इज 200 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर दैट इज 250 मल्टीप्लाई बाय 100। ये अपने पास आगे कितना, 80%। तो इस तरीके से अपने पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट तुमसे पूछा गया है कि ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ CaCl2। सेकंड तुम्हारे पास ऑल्सो कैलकुलेट कर रहे, ऑल्सो कैलकुलेट वेट ऑफ CaCl2। तो CaCl2 का वेट भी अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या करोगे अपने पास, वही 222 ग्राम 222 बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो तुम कि अपने पास या तो ऐसे देख लो कि x अपने को पता चल गया था यहाँ पे कि x अपने पास कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो चाहो तो आप CaCO3 के एक्चुअल मोल निकाल लो कि 200 अपॉन 100, ये अपने पास कितना हो जाएगा। यहाँ से x आ गया, यहाँ पे रखोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 100। सेकंड वाला पार्ट कर रही है तो अपने पास क्या हो जाएगा, 2 मोल। तो 2 मोल एक्चुअल अपने पास किसके, CaCO3 के। तो इसके 2 मोल से अगर देखोगे तो CaCl2 के भी कितने बनेंगे, 2 ही मोल बनेंगे। तो 2 मोल अपने पास किसके आ जाएंगे, CaCl2 के आ जाएंगे। उसका तुमको क्या निकालना है, मास निकालना है। क्या हुआ, अरे फिर से बताइए सेकंड पार्ट एक बार मैंने देखते होगा। देखो अपने को x तो अपने पास आ गया ना, देखो 200, ये तो अपने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था पिछले पार्ट में कि x इक्वल टू अपने पास कितना है, 200। तो प्योर CaCO3 का वेट अपने पास 200 है, तो अपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये अपने पास मोल आ गए कितने, 2 मोल। मतलब जो अपने पास सैंपल अपने ले रखा था उसमें एक्चुअल में 2 मोल प्रेजेंट है किसके, CaCO3 के। अब CaCO3 और CaCl2 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो इसके 2 मोल से CaCl2 का भी कितना बनेगा, 2 ही मोल बनेगा। तो मोल्स ऑफ CaCl2 कितना आ जाएगा, 2 मोल। मोल्स ऑफ CaCl2 ये अपने पास आ गया कितना, 2 मोल आ गया। आपने तो पूछा क्या था, वेट। तो वेट ऑफ CaCl2 ये अगर निकालोगे तो मोल इनटू मोलर मास, तो मोलर मास अपने पास होता है इसका 111, दिया जाएगा तुम्हारे पास 22 ग्राम ऐसा कुछ। समझ में आ गई, दोबारा अप्रोच करूं कि CaCl2 है, सॉरी CaCO3 है, उसका HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो CaCl2 बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है, साथ में अपने पास CO2 बन रहा है। अब तुमको जो ज्यादा सही लगे उसको देख लेना। तो अपने को ये तो गिवन था कि अपने पास जो CO2 बन रहा है कितना बन रहा है, 88 ग्राम बन रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने पास CO2 का 88 ग्राम है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर CO2, 88 अपॉन 44 अपने पास क्या आ गया, 2 मोल।
तो CO2 का अपने पास क्या है, 2 मोल है। अब मैं ये निकाल लूं कि 2 मोल CO2 बनाने के लिए मेरे को कितना CaCO3 चाहिए होगा। तो 2 मोल CO2 अगर मेरे को बनाना है तो इस 2 मोल CO2 के लिए CaCO3 के भी कितने मोल चाहिए, 2 ही मोल चाहिए क्योंकि इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है। अब ये तुमको समझना पड़ेगा कि जो CO2 बना होगा वो तो प्योर CaCO3 से ही बना होगा ना यार। तो जो ये 2 मोल, हाँ, जो ये 2 मोल के करस्पोंडिंग वेट आएगा वो प्योर CaCO3 का वेट आएगा। तो अगर मैं क्या करूं कि अपने पास वेट निकाले प्योर CaCO3 का, तो वेट ऑफ प्योर CaCO3 अपने पास क्या आ जाएगा, मोल हो गया 2, मोलर मास हो गया अपने पास 100, तो अपने पास कितना आ जाएगा 200 ग्राम। मतलब जो सैंपल था उसमें प्योर CaCO3 का वेट कितना था, 200 ग्राम था। मतलब पहले अपन उसको रिएक्टेंट साइड से अप्रोच कर रहे थे एक्स एज्यूम करके, अब अपन क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं उसके हिसाब से निकाल के। तो बीच में बस तुमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे यहाँ पे CO2 का गिवन था तो CO2 के अपने पास आ रहे थे कितने, 2 मोल। तो प्रोडक्ट जितना भी बनेगा वो प्योर से ही बनेगा। तो क्या करोगे कि जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे जिस रिएक्टेंट की बात हो रही है या जिसके सैंपल की बात हो रही है उसका अमाउंट निकाल लो। तो मोल के करस्पॉन्डिंग जो मास आएगा, जैसे यहाँ पे अपने 200 ग्राम निकाला है, ये किस कौन सा मास आएगा, प्योर का मास आएगा क्योंकि रिएक्शन में प्योर ही इन्वॉल्व होगा। तो प्योर का मास आ जाएगा, इम्प्योर सैंपल का मास तुमको गिवन होगा, तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, परसेंट निकाल सकते हो। समझ में आ गए, समझ में आ गए सर? इसी क्वेश्चन में सर अगर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ HCl पूछ ले तो, HCl पूछे तो पहले HCl का मास तो देगा यार वो सर, इतना HCl मैंने लिया है। अच्छा, 4 तो मोल आ जाएंगे, लेकिन उसने ये कहां बोला कि HCl मैंने कितना लिया है, अगर इम्प्योर लिया है तो। ओके सर, देखो इम्प्योर तो हमेशा उसको देना पड़ेगा क्योंकि इम्प्योर तो तुम उसको तो कलेक्ट कर रहे हो ना तुम, तो वो तो गिवन होगा, वो तुम नहीं बता सकते कि कितना आएगा। तो नेक्स्ट अपने पास परसेंटेज, ऐसा ही कोई कंसेप्ट आएगा परसेंटेज यील्ड, या इसी को अपन बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन एफिशिएंसी, जो भी बोलना चाहो। तो अपने पास नाम से पता चल रहा है एफिशिएंसी, इससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो हर प्रोसेस का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होता है, तो थ्योरेटिकली जितना अमाउंट बनना चाहिए था उतना अमाउंट अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखो क्या मतलब सर, एफिशिएंसी ऑफ के बाद क्या लिखा है, रिएक्शन Rx ऊपर n, शॉर्ट में से लिख देते हैं रिएक्शन को, ये काफी जगह मिल जाएगा तुमको लिखा हुआ, तो ध्यान रखना है भी। हाँ, तो एक एग्जांपल से समझेंगे पहले कि अपने पास मान लो कि एक रिएक्शन है जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, यहाँ से अपने पास मान लो बन गया क्या 2NH3 गैस, तो N2 प्लस 3H2, यहाँ से अपने पास क्या बन रहा है 2NH3 गैस। तो अगर मैं तुमको बात करूं कि मैंने मान लो कि N2 का 1 मोल ले रखा है और अपन ने H2 का 3 मोल ले रखा है स्टार्टिंग में, तो NH3 के कितने मोल बनने चाहिए, 2 मोल, 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो ये 2 मोल तब बनेगा जब मान लो कि रिएक्शन का जो एफिशिएंसी है या जो रिएक्शन का यील्ड है वो 100% है। तो मैं बोलता हूँ कि रिएक्शन का जो यील्ड है वो 100% है, तो इसका मतलब ये होता है कि जितना अमाउंट थ्योरेटिकली बनना चाहिए था उतना ही अमाउंट अपने पास बन रहा है। मतलब 2 मोल बनना चाहिए था थ्योरेटिकली और एक्चुअल में कितना बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो रिएक्शन है इसका परसेंट यील्ड 50% है, तो 50% का मतलब क्या होगा कि जितना अमाउंट थ्योरेटिकली बनना चाहिए था 1 मोल बनेगा सर, उसका 50% ही अपने पास बन रहा है। तो 2 का 50% तुमको लेना है तो 50 अपॉन क्या आ जाएगा, 100, तो कितना आएगा 1 मोल। ऐसे अगर मान लो कि कुछ और दे दिया जाए तुमको 60% दे दिया जाए तो तब तुमको 60% निकाल लेना है उसका। Yes. 1.2 into 0.6 मतलब अपने पास 1.2। तो परसेंट यील्ड को एक तरीके से एफिशिएंसी की तरह देखना है तुमको, कि स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट बनना चाहिए था लेकिन एक्चुअल में कितना बना है वो अपन परसेंट से निकालेंगे, परसेंट यील्ड से निकालेंगे, परसेंट एफिशिएंसी से निकालेंगे। अब तुम्हारे मन में डाउट ये आ सकता है कि थ्योरेटिकली जो अमाउंट आ रहा है वो प्रैक्टिकली क्यों नहीं बन रहा है। तो देखो प्रैक्टिकली जो तुम प्रोसेस करा रहे हो उसके लिए काफी सारी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है उसको कंप्लीट कराने के लिए,
जैसे N2+3H2। अगर तुम क्या करते हो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिक्स करके छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन करने लगेगा। रूम टेम्परेचर तो रिएक्शन ही नहीं करता है, क्योंकि अगर ओपन एटमोसफेयर में देखोगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन गैस भी प्रेजेंट है, तो रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। तो रिएक्शन करने के लिए तुमको क्या होता है कि रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड हो रही है वैसे उसे कुछ कंडीशंस को चेंज करते रहना होता है। और अगर तुम सही तरीके से नहीं चेंज कर पाओगे तो जितना अमाउंट बनना चाहिए था उतना अमाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, सब तुम डिटेल्स में बाद में पढ़ पाओगे। अपन आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, तो वहां पर भी तुमको समझ में आएगा कि रिएक्शन की मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट क्यों नहीं होता है, कैसे कैसे फैक्टर्स होते हैं, किस तरीके से प्रेशर का क्या रोल होता है रिएक्शन को कंप्लीट कराने में, टेम्परेचर का क्या रोल होता है, एक चीज तुमने सुना होगा कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का क्या रोल होता है। तो इन सब काफी सारे फैक्टर्स होते हैं रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, तो अगर उन सबको तुम सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हो सकता है कि तुमको 100% एफिशिएंसी नहीं मिले। तो प्रैक्टिकली देखें तो उसकी अपन बात कर रहे हैं कि थ्योरेटिकली इतना मिलना चाहिए था, जैसे इसमें अपन बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन का मैंने 1 ले लिया, हाइड्रोजन का अपन ने 3 ले लिया, तो 1 और 3 से अगर मैं देखूं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के हिसाब से तो 2 मोल बनना चाहिए था अमोनिया का, लेकिन हो सकता है अगर प्रैक्टिकली तुम कराओ तो 2 नहीं मिले। तो एफिशिएंसी उसी चीज को बता रहा है कि एक्चुअल में कितना मिला है, जितना मिलना चाहिए था उसका कितना परसेंट अपने पास आया है। तो फॉर्मूला अपन लिखेंगे इसका, तो वो अपन ऐसा कुछ लिखेंगे कि परसेंट यील्ड इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ प्रोडक्ट should be formed as per stoichiometry या theoretically। तो theoretically कितना amount बनना चाहिए था, practically कितना बना है उसको डिवाइड करके तुमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये समझ में आएगा तुमको? यस सर। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो तो वही अपने पास की बाई डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम CaCO3 2 आएगा ना अपने पास, तो 22.4 into 1.5 ये 33.6 liter CO2 by decomposition of 200 gram CaCO3 33.6 liter CO2 obtained 8 1 atm and 273 Kelvin, then calculate percent yield of reaction या efficiency of reaction। तो ये क्या उसने अपने पास कि अपन ने क्या किया, 200 ग्राम लिया किसका, CaCO3 का, इसका हीट किया होगा तो हीट करने पे अपने पास जो 75% जो एक हीट करने पे अपने पास जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा है कितना आ रहा है, 33.6 लीटर आ रहा है CO2 गैस का, 1 atm और 273 केल्विन गिवन है, STP हो गया। तो परसेंट यील्ड तुमको निकालना है किसका, रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर तुम ढंग से सोचोगे ना तो देखो जो एक्चुअल अमाउंट होगा ना प्रोडक्ट का वो तो उसको गिवन देना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली कितना बना है वो तो मैं निकालूंगा ना, अगर परसेंट यील्ड मेरे से पूछा गया तो मतलब वो तो मेरे को पता होना चाहिए ना, मैं थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकता हूँ इस स्टोइकोमेट्रिक के अकॉर्डिंग। लेकिन जब उस रिएक्शन को तुम प्रैक्टिकली कराओगे तो कितना अमाउंट बना है वो तो उसको देना पड़ेगा अगर वो परसेंट यील्ड तुमसे पूछना चाह रहा है। तो प्रोडक्ट का जो अभी अपने को CO2 का दिया है कितना, 33.6 लीटर, तो इसके करस्पोंडिंग अगर मोल निकालोगे STP पे तो मोल कितना आ जा रहा है अपने पास, 1.5 मोल। तो पहले अगर आप CO2 की बात करें तो अपने को जो ये डेटा गिवन है ये एक तरीके से क्या है, एक्चुअल के लिए गिवन है,
तो अगर मैं एक्चुअल मोल्स की बात करूं कि एक्चुअल मोल्स ऑफ CO2, तो n एक्चुअल इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम एट STP 33.6 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये अपने पास आ गया क्या 1.5 मोल। तो एक्चुअली तो अपने पास कितने मोल बन रहे हैं, 1.5 मोल बन रहे हैं। और थ्योरेटिकली अगर अपन कैलकुलेट करें तो अपने पास क्या CaCO3 है, तो CaCO3 से अपने पास क्या बना, CO बना, साथ में CO2 गैस रिलीज हो रहा होगा यहाँ से। तो CaCO3 की अगर अपन बात करें तो वेट इसका 200 ग्राम है। प्योरिटी के बारे में बात किया नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, 100% प्योर मानेंगे इसको। तो मतलब अपने पास जो 200 ग्राम है पूरा का पूरा CaCO3 का है, तो 200 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 100, तो इसके अपने पास कितने आ गए, 2 मोल आ गए। तो थ्योरेटिकली अगर मैं देखूं तो CaCO3 के 2 मोल से CO2 का कितना बनना चाहिए था, 2 मोल बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसने बोला है कितना मोल बन रहा है, 1.5 मोल बन रहा है। तो ये तो अपने पास क्या आ गए, थ्योरेटिकल मोल आ गए, n थ्योरेटिकल, ठीक है, और ये अपने पास आ गए n एक्चुअल। तो परसेंट यील्ड के फॉर्मूले को अगर अपन ऐसे लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते कि ऐसा लिख रहे थे कि एक्चुअली कितने मोल आ रहे थे, एक्चुअल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 100। थ्योरेटिकल मोल मतलब जो अपन रिएक्शन को सोल्व करके निकालेंगे स्टोइकोमेट्रिक का यूज करके। तो एक्चुअली अपने पास आ रहा है 1.5, थ्योरेटिकली अपने पास आ रहा है 2 मोल, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, तो अपने पास ये कितना आ रहा है, 75 ना, 75%। तो समझ में आ गया ये? यस सर। चलो इसी में सेकंड पार्ट लिखो, ऑल्सो कैलकुलेट एक्चुअल वेट ऑफ CaO obtained, कैल्शियम ऑक्साइड का एक्चुअली कितना वेट बनेगा, ये भी तुमको कैलकुलेट करना है। निकालो 27 क्या, 27 नहीं यार, राम नहीं। अच्छा समय डेटा चेंज किया, हाँ हो सकता है मैंने डेटा चेंज किया, तो देखते हैं। अरे ग्राम नहीं निकालना पड़ेगा, 84 आएगा सर, 84 करेंगे। चलो बढ़िया। देखो तो अपने पास वापस वही करेंगे कि अपने पास थ्योरेटिकली क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास जो है वो 2 मोल है, तो 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड CO के भी कितने बनने चाहिए, 2 मोल बनने चाहिए थे थ्योरेटिकली तो, ठीक है, लेकिन रिएक्शन की एफिशिएंसी अपने पास कितना, 75% है। तो ये भी तो प्रोडक्ट ही है एक तरीके से, तो ये भी क्या है, 2 मोल बनना चाहिए था थ्योरेटिकली तो, लेकिन बन कितना रहा है उसका, 75% ही बन रहा होगा एक्चुअल में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अपने पास मोल आएंगे किसके, एक्चुअल मोल्स ऑफ CaCO3, वो भी अपने पास कितने आ जाएंगे, थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था 2, लेकिन एफिशिएंसी अपने पास कितना है, 75, तो 2 × 0.75, तो अपने पास कितना जा रहा है, 1.50। अच्छा वही तो आ जाएगा वापस, 34 आंसर आ रहा है। सर ये फिर से बताइए, 1.50 मोल अपने पास आ गया, और अपने से वेट पूछा था, वेट अपने पास क्या करेंगे, मोल इनटू मोलर मास, तो मोलर मास का कितना होता है 56, तो 1.5 इनटू 56 अगर तुम करोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना रहा है, 84 आएगा, 84 आ रहा ना, सही कैलकुलेट किया ना, यस सर, हाँ तो 84 ग्राम अपने पास आ जाएगा। देखो कैसे कैलकुलेट किया है, तो थ्योरेटिकली तो अपने पास क्या है, जिसका डाउट तो देखो कि थ्योरेटिकली अपने पास CaCO3 कितना है, 2 मोल है, तो थ्योरेटिकली तो इसके 2 मोल से कैल्शियम ऑक्साइड के भी कितने बनने चाहिए, 2 मोल ही बनने चाहिए। लेकिन अगर अपने को बोला है, अपने निकाल चुके हैं कि इस रिएक्शन की एफिशिएंसी कितना है, 75% है, तो प्रोडक्ट का जितना अमाउंट बनना चाहिए था उसका 75 ही क्या हो रहा है, एक्चुअल में फॉर्म हो रहा है। तो थ्योरेटिकली अगर अपन देखे है तो थ्योरेटिकली अपने पास 2 मोल उसका बनना चाहिए था, लेकिन अपने पास 2 का 75% ही बन रहा है, क्योंकि उसने अपने से एक्चुअल वेट पूछा है, तो एक्चुअल मोल तुमको निकालने पड़ेंगे। तो 2 का 75% अगर अपन ले रहे हैं तो अपने पास 1.5 मोल आ गया,
और इस 1.5 मोल के करस्पोंडिंग वेट निकालोगे तो अपने पास आ जाएगा 84 ग्राम। आया समझ में? दोबारा बताऊं? आ गया सर। हाँ। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन अच्छे तो बन जाते हैं जब वो क्या करता है परसेंट प्योरिटी और परसेंट इल्ड दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। तो एक दो क्वेश्चन अपन वैसे भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और इसी पे लेते हैं सेम कि कैलकुलेट मास ऑफ KClO3 required to produce 149 ग्राम of KCl। तो KCl का अपने को कितना चाहिए? 149 ग्राम चाहिए। ठीक है, अब अपने को कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि इफ परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज, फर्स्ट मान के चलो कि परसेंट यील्ड कितना है 100 ग्राम है, सॉरी 100% है, और सेकंड मान के चलो कि परसेंट यील्ड अपने पास कितना है 40% है। तो अगर 100% यील्ड दिया है तब तो नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कैलकुलेट करना है तुमको, तो उसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, वो तो इजीली निकाल दोगे, जल्दी निकालो। रिएक्शन वही हो जाएगा KCl, KClO3 को अपन हीट कर रहे हैं तो KClO3 से अपने पास क्या बनता है KCl+O2। हंड्रेड गिवन है तब तो कोई मतलब है नहीं, कितना आएगा 98 कम क्यों आएगा, ज्यादा आएगा ना सर, रिएक्टेंट के लिए पूछा। 6.5 ग्राम 46 कितना 612.5 ग्राम, बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो अपने पास कैसे करना है इसको तुमको कि 100% यील्ड गिवन है तो उसका तो सिंपल सा मतलब वही हो गया कि वही नॉर्मल जैसे करते वैसे करना है। तो पहला पार्ट में तो कुछ नया नहीं है, तो KCl का अपने को मास गिवन है कितना 149 ग्राम, तो 149 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, ये अपने पास हो जाएगा 35.5 प्लस पोटेशियम का 39, कितना आ रहा है 74.5। तो अपने पास 74.5 मतलब इसके मोल आ गए अपने पास कितने 2 मोल। हाँ, तो KCl के अपने पास 2 मोल है, अगर परसेंट यील्ड अपने को 100 गिवन है तो एक्चुअल रिएक्शन बैलेंस भी तो नहीं है, वो थ्योरेटिकली भी अपने पास 2 मोल ही बन रहा है, रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन बैलेंस नहीं है ना। हाँ ये हो गई ना यार, लो ठीक है। तो थ्योरेटिकली इसके 2 मोल बनना चाहिए, परसेंट यील्ड 100 गिवन है मतलब एक्चुअल में भी इसके 2 मोल ही बने हैं, तो अपने पास थ्योरेटिकली भी इसके कितने मोल है 2 मोल है। देखो रिएक्शन में जब भी अपन जाएंगे तब थ्योरेटिकल अमाउंट के हिसाब से ही जाएंगे क्योंकि रिएक्शन अपने को थ्योरेटिकल चीजें बताएगी जो अपन स्टोइकोमेट्री लगा रहे हैं। तो जब भी तुम रिएक्शन में कुछ मोल्स यूज कर रहे हो तो थ्योरेटिकल मोल तुमको यूज करना है। तो KCl के अपने पास 2 मोल है, अब इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मतलब दोनों के मोल तो क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। तो अगर अपने पास KCl के 2 मोल बन रहे हैं तो KClO3 के भी कितने होने चाहिए थे, 2 ही मोल होने चाहिए थे स्टार्टिंग में। तो इसके 2 मोल के लिए तुमको वेट निकालना है, वही पूछा है क्योंकि परसेंट इन तो अपने को 98 ग्राम तो वेट अगर अपन निकालेंगे तो KClO3 का वेट तो मोल इसके कितने होने चाहिए थे 2 और मोलर मास इसका अपने पास कितना है 122.5, ये अपने पास आ जाएगा 245 ग्राम। ठीक है, पहला तो आसान था, सेकंड वाले की अगर अपन बात करें तो उसमें अपने को परसेंट यील्ड गिवन है कितना 40% 98 ग्राम आ रहा है, 40% यील्ड के साथ अपने पास बात हो रही है। तो देखो जब अपने पास यील्ड 100 नहीं है तो तुम उसको कैसे कर सकते थे कि अपने पास KClO3 है, वहां से अपने पास क्या बनेगा 2KCl+3O2। तो अपन ये मान के चल रहे कि अपने पास मान लो KClO3 के हिसाब से ही बात करो, अपन रिएक्टेंट से स्टार्ट करो कि अगर मान लो कि इसका मेरे पास x मोल रहा होता तो इसके इसका वेट पूछा ना क्योंकि अपने से, तो इसका मान लो कि x मोल रहा होगा उसके करस्पोंडिंग अपने को वेट निकालना है, वो अपने से पूछा गया है।
तो रिएक्टेंट कैसे अपन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन है तो रिएक्टेंट के हिसाब से अपन जनरली कैलकुलेट भी करते हैं। तो रिएक्टेंट के मान लो एक्स मोल, तो इसके एक्स मोल से अपने पास KCl के कितने बनेंगे, एक्स मोल ही बनेंगे। तो एक्स मोल तो अपने पास थेरेटिकली बनना चाहिए था, लेकिन अपने को बोला गया कि 40% इसका इल्ड है, तो एक्स इंटू 40/100 एक्चुअल में इतने मोल बन रहे हैं, जो कि अपने को गिवन है कितने हैं, 2 मोल है। तो यहां से तुम एक्स निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 मोल आ जाएगा। तो अपन ने स्टार्टिंग में KClO3 के 5 मोल लिए होंगे, तो उस 5 के हिसाब से KCl के भी 5 बनने चाहिए थे थ्योरेटिकली तो, लेकिन परसेंट इल्ड जो है वो 40% है, इस वजह से अपने पास कितने बने, सिर्फ 2 मोल बने हैं। तो अपन ने स्टार्टिंग में KClO3 के तो 5 मोल लिए होंगे, अगर परसेंट इल्ड 40 है तो इस 5 के करस्पोंडिंग अगर वेट निकालोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 × 122.5 मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, किया जाएगा 612.5 ग्राम। समझ में आया क्या ये सर? 100% वाला का 40% नहीं ले सकते हैं? मतलब जो 100% में आएगा तो उसी का 40% ले नहीं सकते हैं क्या? नहीं सर, आपने एक्स मोल एक्चुअल मोल्स को कंसीडर करा है? हाँ, एक्चुअली रहेगा ना रिएक्टेंट के लिए, तो जो अपन ने स्टार्टिंग में लिया है। तो सर, हम लोग फॉर्मूला से एक्चुअल मोल अपन स्टोइकोमेट्री मोल लगा के तब से 40% आता, उस तरीके से सर करते तब तो आंसर सर अलग आता। नो आएगा तब भी वही आएगा, देखो कि अगर मेरे को फॉर्मूला लगाना है तो वैसे भी कर सकते हो, वही बता देते हैं। देखो कि तुम जैसे बोल रहे हो कि अपन परसेंट इल्ड क्या लिखते हैं, कि परसेंट इल्ड अपने पास 40 है, तो परसेंट इल्ड इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, एक्चुअल मोल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअल मोल अपने पास कितने हैं, 2 मोल है, ठीक है। तो तरीके काफी सारे हो सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हो। तो थ्योरेटिकल मोल अगर तुम निकालोगे यहां से इसको 2 पुट करके, थ्योरेटिकल मोल आएंगे तुम्हारे पास 5 मोल। तुम्हारे पास 5 नहीं आ रहे, तुमने कुछ मिस्टेक किया होगा। कितने लेने पड़ते, 5 मोल, तो एक सी तो हो गया एक तरीके से। आएगा समझ में अभी? यस सर। तो कैसे भी कर सकते हो, तरीका काफी सारा हो सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एक्स वाला अगर यूज करके चलोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। आगे अपन क्या करेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब 2 या 3 रिएक्शन को एक साथ देखेंगे, तब फिर तुम्हारे पास दिक्कत होगी ये वाला कंसेप्ट लगाने में, अगर तुम पीछे प्रोडक्ट साइड से अप्रोच करोगे तो। और वहां पे क्या करेगा, 3 स्टेप का रिएक्शन देगा, और स्टेप इफिशियंसी क्या करेगा, वो अलग अलग देगा तुमको, और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो x मान के चलोगे तो आगे ज्यादा इजी पड़ेगी तुम्हारे लिए चीजें। अभी तो तुमको लग रहा होगा कि सर दूसरा वाला तरीका ज्यादा सही है, बिना वजह x वाला बता रहे हो, लेकिन आगे अपन 3 स्टेप वाली रिएक्शन देखेंगे कि ऐसे स्टेप जो 3-4 रिएक्शन में हो रही है, स्टेप में हो रही है, और तब वो हर स्टेप के लिए एफिशिएंसी भी अलग अलग देगा, तब फिर वहां पे तुमको दिक्कत हो सकती है। तो देखो अपने पास पहले परसेंट इल्ड तुम समझो। अच्छा, पहले तो डिफरेंस क्या है प्योरिटी इल्ड में, ये सही डाउट था बहुत लोगों को, ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है। तो अपने पास मान लो कि रिएक्टेंट है, यहाँ से कुछ प्रोडक्ट बना, तो जो प्योरिटी की अपन बात करें वो रिएक्टेंट के लिए बात कर रही है। चीज तुम ध्यान से सुनना होगा, तो मैंने बीच में बोला था कि परसेंट प्योरिटी मतलब अपन ने रिएक्टेंट का कुछ सैंपल लिया है, जो स्टार्टिंग अपने रिएक्शन स्टार्ट करा है, तो रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है कि रिएक्टेंट से ही स्टार्ट होगी। तो जिस चीज को लेके अपन रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं उसको अपन रिएक्टेंट बोल रहे हैं। तो रिएक्टेंट का अपन ने कुछ अमाउंट लिया है जो कि अपन बोल रहे हैं कि इम्प्योर है, तो वहां पे परसेंट इम्प्योरिटी का कंसेप्ट आ रहा है रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। तो रिएक्टेंट का अपने पास मान लो कि कोई भी इम्प्योर सैंपल है, तो उसका कुछ परसेंट क्या होगा, उसमें प्योर होगा, तो अपन वो बोलना चाह रहे हैं वहां पे परसेंट प्योरिटी के केस में, तो ठीक है। और परसेंट इल्ड के केस में अपन क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्टेंट कुछ भी है, इससे अपने को मतलब नहीं है, प्योर है इम्प्योर है। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरेटिकली अपने पास प्रोडक्ट का मोल बनना चाहिए था, मतलब इल्ड को एक तरीके से अपन प्रोडक्ट से रिलेट करके बात कर रहे हैं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट जितना भी प्योर था उससे जितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था उतना प्रोडक्ट मेरे पास नहीं बन पा रहा है, उसका कुछ परसेंट ही क्या हो रहा है,
बन पा रहा उसका कुछ भी रीजन हो। तो परसेंट इल्ड मतलब अपन ये बोल रहे हैं कि जितना अमाउंट बनना चाहिए था उसका कुछ परसेंट ही बना है, तो वो प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर रहे हैं और परसेंट प्योरिटी को अपन रिएक्टेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस तो ये है। नेक्स्ट अपने पास एक और क्वेश्चन अपन करते हैं, देखो इसको जाके अच्छे से पढ़ना नोट्स, पहले समझना प्योरिटी क्या है, इल्ड क्या है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे भले कल। हाँ तो ये अपने पास देखो कैलकुलेट मास ऑफ HCl formed, mass of HCl formed when, दोनों को इन्वॉल्व कर रहा हूं मैं, प्योरिटी और इल्ड, when 95% थोड़ा आसान वाला ले लेते हैं मेरे हिसाब से तो अच्छा 95% प्योर, हाँ HCl है सिल्वर क्लोराइड प्योर, 10 ग्राम ऑफ MgCl2 रिएक्ट विथ Fe-3 तो साथ में भी होने परसेंट इल्ड, म्यूट करो यार, परसेंट इल्ड ऑफ रिएक्शन इज 80%। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा कुछ है कि अपने पास MgCl2 प्रेजेंट है, 10 ग्राम MgCl2 का सैंपल है जिसका प्योरिटी अपने को गिवन है कितना 95%। तो अपने पास क्या किया, अपन ने MgCl2 लिया, उसका रिएक्शन कराया किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो वहां से अपने पास, अबे म्यूट कर लो यार भाई समझा रहा हूं तो कुछ, तो अपने बाद एक उसने देखो क्या बोल रहा है इसमें कि अपने को क्या निकालना है, AgCl का मास निकालना है कि कितना AgCl अपने पास बनेगा रिएक्शन में, रिएक्शन अपने पास ऐसा कुछ होगा कि MgCl2 का रिएक्शन अपन करा रहे किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो यहां से अपने पास बनेगा क्या AgCl प्लस MgNO3 का होल ट्वाइस, बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा शायद, हाँ देख लो एक बार, हाँ हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये अपने पास रिएक्शन है, अब अपने को बोला जा रहा है कि इसमें अपन ने क्या किया है, 95% प्योर 10 ग्राम लिया है किसका, MgCl2 का, मतलब जो 10 ग्राम सैंपल लिया उसमें 95% अपने पास क्या है MgCl2 है, तो अगर तुम इसका 10 का 95% लोगे तो अपने पास एक तरीके से कितना आ जाएगा 9.5 ग्राम आ जाएगा, 9.5 ग्राम डायरेक्टली दिख गया हुआ, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 9.5 ग्राम आ जाएगा किसका MgCl2 का, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल वेट जो अपने पास आएगा, मोलर मास कितना होता है Hg का, इसका 108 107.8 108 ले लो उसको लगभग, ठीक है। हाँ तो MgCl2 अपने पास क्या है 9.5 ग्राम है डिवाइडेड बाय इसका अपने पास क्या कर देंगे मोलर मास, तो मोलर मास इसका क्या आता है 95 ही आता है, तो मोल अपने पास कितना हो जाएगा MgCl2 का 0.1 मोल। ये समझ में आएगा कैसे निकाला सब लोगों को? यस सर। देखो MgCl2 के लिए उस रिएक्टेंट था उसके लिए उसने क्या किया परसेंट प्योरिटी का बात किया, तो 10 ग्राम उसका गिवन था तो 95% अपन ने 10 का ले लिया तो 9.5 ग्राम अपने पास एक्चुअल में MgCl2 आ गया, तो वहां से अपन मोल कैलकुलेट कर रहे तो 0.1 मोल अपने पास हो गया। अब अपने को बोला गया था कि अपने को क्या निकालना है AgCl का वेट निकालना है अगर रिएक्शन का परसेंट यील्ड कितना है 80% है, तो मतलब एक तरीके से अपन ने जो 10 ग्राम सैंपल लिया था MgCl2 का उस सैंपल में जो प्योर MgCl2 था वो कितना था 9.5 और उसमें उसके मोल कितने आ गए 0.1 मोल। अब इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री के हिसाब से देखूं तो इसका जब कोफिशिएंट 1 है मतलब इसका 1 मोल HgCl के कितने बनाता है 2 मोल बनाता है, क्योंकि उसने AgNO3 का तो अमाउंट अपने को दिया नहीं है तो लिमिटिंग एजेंट वाला कांसेप्ट तो अपने को लेके नहीं आना है। हां सर 6.9 आ रहा है निकाल रहा है बिल्कुल, तो अगर मैं इसका मोल निकालूंगा तो 0.1 से AgCl का कितना मोल बनना चाहिए 0.2 मोल बनना चाहिए। यस सर लेकिन परसेंट इल्ड अपने को कितना गिवन है 80%, तो बनना तो कितना चाहिए था 0.2 लेकिन बना कितना हुआ इसका 80%। ये समझ में आया क्या?
सो एक्चुअल मोल्स जो आएंगे अपने पास, एक्चुअल मोल्स ऑफ AgCl, ये अपने पास आएंगे 0.2 ये अपने पास कितना है 0.16 मोल, तो अपने पास AgCl का कितना आ जाएगा 0.16 मोल आ जाएगा। मास अपने से पूछा है तो वेट ऑफ AgCl, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, एक्चुअल वेट ही आएगा 0.16 इनटू इसका मोलर मास, तो ये आ जाएगा हमारे पास 43.5 होता है, तो ये आ जाएगा 22.96 ग्राम मोलर मास का लिखा। एक और क्वेश्चन अपन करते हैं देखो इसी से किसी के जैसा कि अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है लास्ट इसी को करते हैं, इसको तुम आज अच्छे से जाके पढ़ना और नहीं आए तो फिर कल वापस पूछना। इफ एन इम्प्योर सैंपल, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग प्रोड्यूस वन पॉइंट सेवन सिक्स ग्राम CO2 गैस विथ 80% यील्ड, then calculate percent purity of CaCO। अच्छा पूछने क्या जा रहा है फिर, अच्छा हाँ एक मिनट, तो परसेंट यील्ड अपने को गिवन है कितना 80%, एक मिनट 80%, और साथ में अपने को बोला गया आगे कि एंड परसेंट प्योरिटी अपने को गिवन है परसेंट प्योरिटी ऑफ CaCO3 is 90%। तो अपने पास एक सैंपल की बात हो रहा है जिसका परसेंट प्योरिटी कितना है 90% है, और उससे अगर अपन हीट कर रहे हैं CaCO3 का सैंपल है तो अपने पास जो CO2 मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। अपने से पूछा गया है कि जो सैंपल है उसका वेट कितना रहेगा, मतलब एक्चुअल में अपन ने सैंपल का कितना मास लिया है, देन कैलकुलेट वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल या वेट ऑफ सैंपल, कितना वेट अपने लिया वो अपने को निकालना है। तुम्हें तुमसे देखो बोलना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारे पास क्वेश्चन किसी भी तरीके का है, अगर तुमको इम्प्योर सैंपल का वेट नहीं दिया है ना तब भी उसका वेट सर एक्स मान के कर सकते हो तुम। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, हाँ तुमसे इम्प्योर सैंपल का वेट पूछा है तो उसको एक तरीके से एक्स मान लो। तो अब देखो मैं अपने पास रिएक्शन लिख देता हूँ बिल, तो क्या हो जाएगा CaCO3 है, इसको अपन हीट करेंगे तो बनेगा क्या CaO+CO2। तो अपने को बोला गया है कि अपने पास CaCO3 का कोई सैंपल है इम्प्योर सैंपल, उसको हीट कर रहे हैं तो अपने पास 1.76 ग्राम मिल रहा है किसका CO2 का, और परसेंट यील्ड अपने को गिवन है 80% और परसेंट प्योरिटी अपने को गिवन है 90%। तो एकदम स्टार्टिंग से सोल्व करो देखो कि अगर मैं मान लू कि मेरे पास x ग्राम में किसका इम्प्योर सैंपल का, अब कब क्या मानना है तुमको समझ में आना चाहिए दिमाग लगा के थोड़ा सा। अब इम्प्योर सैंपल का वेट पूछा है तो इम्प्योर सैंपल का ही मान लो क्या x, तो इस x का जो 90% है वो क्या है, क्या तुम म्यूट कर लो यार, तो इस x को अगर मैं इम्प्योर मान ले रहा हूँ, इम्प्योर का वेट कितना मान ले रहा हूँ x, हाँ सर 11.1 ग्राम, 11.1 नहीं कुछ गलत किए हो, हाँ सर 16.128 ग्राम, नहीं नहीं ये भी गलत है। तो देखो मैं बता दे रहा हूँ कि x ग्राम अपने पास क्या है इम्प्योर का अपन ने मान लिया क्योंकि वो निकालना है, तो इस 5.5 का सर जो 90% है वो अपने पास CaCO3 है, ठीक है वेट वाइज, हाँ 5.5 ग्राम आ रहा, हाँ 5.5 सही है। तो इस x ग्राम का जो 90% है CaCO3 का है, तो CaCO3 का वेट अपने पास कितना आ जाएगा x into 90/100,
अब अगर मैं इसके मोल निकालूं तो अपन फिर इसको 100 से डिवाइड कर दे मास को, तो मोल आ जाएंगे अपने पास, तो डिवाइडेड बाय 100, तो ये अपने पास मोल आ गए किसके, CaCO3 के। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अभी इसी से कर रहा हूँ रिएक्टेंट से, तो मैं यही चाह रहा हूँ कि क्या ये 100 से क्यों डिवाइड किया। देखो अपने पास ये वेट क्या था, इम्प्योर का एक्स, अपन ने बोला कि इसका 90% प्योर है, मतलब x का 90% अगर अपन लेंगे तो अपने पास वेट आ जाएगा किसका, CaCO3 का। तो x into 90 upon 100, ये अपने पास वेट ऑफ प्योर CaCO3 आ गया। अपने को चाहिए क्या, मोल, तो मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे ना, तो CaCO3 का मोलर मास कितना है 100, तो ये अपने पास मोल हो गए किसके, CaCO3 के। समझ में आ गया? तो एक्चुअल में अपने पास जो इम्प्योर सैंपल था x ग्राम, उसमें इतने मोल है किसके, CaCO3 के, और इतने मोल से अपने पास जो CO2 बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, x अपॉन 100 इनटू 90 अपॉन 100, इतना ही बनना चाहिए क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का अगेन सेम है। तो इतना मोल CaCO3 बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री, लेकिन अपने को बोला है कि रिएक्शन का यील्ड कितना है 80%, तो एक्चुअल वेट तो क्या है इसका 80% होगा। तो एक्चुअल मोल्स की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअल मोल्स ऑफ CO2 ये अपने पास कितना आएगा, थ्योरेटिकल इतना बनना चाहिए लेकिन इसका 80 बन रहा है, तो x अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 ये तो बनना चाहिए था थ्योरेटिकली, लेकिन इसका 80 बना है, तो 80 अपॉन 100 फिर कर दो। ठीक है, इतने मोल अपने पास एक्चुअली बनने चाहिए थे, और इन मोल्स के करस्पॉन्डिंग जो वेट अपने को गिवन है, एक्चुअल वेट CO2 का, वो कितना गिवन है 1.76% यील्ड है ना, 80% यार CO2 है, परसेंट यील्ड प्रोडक्ट के लिए होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट है दोनों के लिए। अच्छा समझ गया, समझ गया, CO2 के लिए भी परसेंट यील्ड ये रहेगा, इसके लिए भी। अच्छा समझ गया, समझ गया। हां तो ये समझ में आएगा, इतना मोल अपने पास एक्चुअल में बनेगा CO2 का। अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर, तो आप थ्योरेटिकल निकाल लेंगे। अब इसका मोल अगर अपने पास आ गया एक्चुअल मोल, तो इसको अगर अपन 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल मास आ गया, जो कि अपने को गिवन है कितना 1.76, ये तो मोल हो गया एक्चुअली, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो वेट आ जाएगा अपने पास 1.76। तो यहां से सोल्व करके तुमको क्या निकाल देना है, एक्स निकाल देना है, तो ये तुम्हारे पास आएगा 5.5 ग्राम।